लेट्स गो लेट्स गो। सो अच्छे पेन के सारे होप्स सारे सारे बढ़िया करने के तम बना देते हो बढ़िया चो फाइनल लोग एक और रिएक्शन बस। आज हम चेक करने ले फाइनली यंग वाले पे। भाई मजाक नहीं करता यार, मुझे खुद को नहीं मालूम क्या चल रहा है यार। मेरे को कब से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है एक दो बंदों के तो कॉल आ गए मेरे को इंस्टा पे और मेरे को लगा बात करनी सब्सक्राइबर्स को, दैट्स व्हाई कॉल आ रहे हैं। बट उन लोगों ने बोला भाई यंग वाले का ट्रैक आ रहा है, मतलब आ गया ऑलरेडी। मतलब मैं अभी यू नो 5 मिनट पहले उठा हूँ भाई और यू नो ये सब हो रहा है, तो उठते ही मेरे को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही यार। उठ के लोग थोड़ा नाश्ता करते पर अपना तो ब्रेकफास्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा हार्ड है समझ रहे हो। तो अपन सीधा लंच करेंगे आज। तो गाने का नाम है बबली और थोड़ा सा रेडिश थंबनेल दिख रहा था तो मैंने भाई रेड लाइट लगा दी। तो समझ जाया करो यार, मेरे को अभी वैसी ही बारी है जैसे MU ने किया लोडा साइन निकाला था, तभी भी सेम ऐसा ही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। एंड यू नो रेड लाइट्स ही थी शायद से मेरे पास, तो ये तो कुछ गलत साउंड कर रहा है। बट जो भी है, फिलहाल के लिए अपन सीधा गाने में घुसते हैं। जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, पर अपन ब्रेकडाउन सही से करेंगे। तो फिलहाल के लिए लेट्स गेट इन, लाइक दबा वीडियो को यार। ओ भाई ध्यान दो, भाई ध्यान दो। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगा। तो सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। हम खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। पूरा DHS पैक के जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला। क्या बचका ने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे भेजे। ओ भाई साहब ये क्या है यार, ऐसा लगता है मैं कोर्स कर रहा हूँ, रोज अलग अलग चीजें सुन रहा हूँ। बेसिकली यू नो यू ऑलरेडी नो की कर्मा जो है रफ्तार भैया के साथ घर पे रुकता था, यू नो उनको जगह दी थी रफ्तार भाई ने। तो डैट्स वाई वो उस चीज़ों की बात कर रहा है और बोल रहा है कि यू नो सबको पता है द DHS सीन में कि ये जो तुम्हारा परिवार है, जिस कलमकार परिवार की बात कर रहा है, वो पूरा बंटा के नाम से ही चला। क्योंकि रफ्तार ने डिस किया, ठीक है ब्लोअप हुए, कृष्णा भी ने भी डिस किया, आखिर में कर्मा ने भी शॉर्ट्स लिए। तो डैट्स वाई यू ऑलरेडी नो कि भाई तुम खुद के दम पे नहीं बने हो भाई लोग। घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। पूरा DHS पैक के यू नो कि मैं खाते पीते घर से, मेरा खुद अगर इतना मतलब यू नो खिलाता पिलाता है हम लोग, दैट्स व्हाई। मतलब वो उसके फैट सेमिंग करी थी उसकी वजह से बोल रहा है, ठीक है कि मैं दूसरे घर पे नहीं रहता। तो ऐसा होता ना कि भाई अगर घर वाले भी फोन करते कि तू उधर कैसा है, कहीं अपन बाहर जाते रहने के लिए, तो वहाँ पे अपन पतले हो जाते, ठीक है खाना पीना अच्छे से नहीं होता अपने। तो वो वही बोल रहा है कि तेरा वेट इसलिए कम है क्योंकि तू दूसरे घर पे पला है। भाई मैं तो खाते पीते घर से ही हूँ, अपन देसी है यार। जानता पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। हाँ इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला। क्या बचका ने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे भेजे पे, नहीं अब दूंगा मैं दिल पे, पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे हल्के में। ओके हाँ, वो कल वाला जो रेफरेंस था बेसिकली पलटे की कार वाला, वो एनकाउंटर वाला सीन था जो यूपी में होता है बेसिकली, ठीक है। और पलटे की बार यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेटअप द स्टैंडर्ड वाला बार हो सकता है, गाने वाला हो सकता है, प्रिजन वाला हो सकता है, वी डोंट नो भाई यार। इधर सब कुछ चीज साथ में चल रही है यार। कभी भी आ जाना बाबा तो स्किल्स पे हल्के में लेगा तू, ये तेरी भूल है। बेसिकली गाने वाला बार तो है ही डबल एंटेंडर में, क्योंकि उसने स्किल्स की बात कर दी वहाँ पे। मिलेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा। हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता। बोलते ना कर्मा स्लिम शेडी को कॉपी करता है, एमिनम को कॉपी करता है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि यार तू मुझे क्या शेडी की राइम्स की सिखाएगा, मेरे हुड में है, यहाँ पे पूरा हिप हॉप का स्कूल है भाई। यो मैं हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे, अपन शेर है प्यासे है खून के। उसने बोला था ना कि मैं भी झोपड़पट्टी से आता हूँ, पर मैंने इस चीज़ पे कभी फ्लेक्स नहीं किया भाई। तो बोल रहा है कि भाई तो झोपड़पट्टी से आता भी नहीं, तू पहाड़ से आता है, ठीक है। सो अगर मैं तेरी लेने पे आऊंगा तो तुझको वहीं जाके संन्यास लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ज्यादा मत भोग भाई, लेगा पहाड़ पे, अपन शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के, मुझे चलते देखेगा रेड कार्पेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट, ये तू स्टार नहीं तू चौकी। यार हर चीज का काउंटर है, पता सुना था मेरे जूते ये मेरे पैर में जैसे ये कारपेट, तो ये बोल रहा है कि मैं चलूंगा ऑन रेड कारपेट, तो मतलब इतना प्रीशियस बंदा बन जाऊंगा, समझ रहे हो। बहुत कम लोग रेड कारपेट पे वॉक करते हैं, ठीक है। और दूसरा उसने बोला ठीक है रेड कारपेट पे मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई है भाई। अकीर अहमद कुछ शायद लिरिक्स में गलती हुई है या कुछ रेफरेंस है ये, मेहनत की कमाई मेरी तभी भार पेट, ये फैट शेमिंग बोला था तो इस वजह से भार पेट है, तो उसका भी एक रेफरेंस आ गया, ठीक है कमाते हैं बाबा। बट ये की रहमत की कमाई लिस्ट में कोई गलती है मेरे ख्याल से, मैं तभी बाहर पेट, ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझ जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते सब सीढ़ी हम कर। एक सेकेंड यार, करवा ये भी बोला अपने गाने में कि यू नो तुझे क्या पता मैं ATM का गार्ड था, तो इसने वही बोला कि तू स्टार नहीं तू चौकीदार है,
और तू जैसे मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते 10 ऐसे कुछ करके यू नो ओ यार रुक जा यार के बाहर बैठते सब सीढ़ी हम कर सकते पार पे सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे बंटी। अरे यार ये बड़ा रिएक्शन होगा यार भरी से यार ये रुक ही नहीं रहा भाई ये रुक ही नहीं रहा हर एक बार तो देखो यार सब्सिडी की बात हुई थी तो उसने मतलब सब्सिडी हम कर सकते पार में ठीक है मतलब हम बड़े मुकाम पे पहुंच सकते तो हमको सब्सिडी की जरूरत नहीं है ऑन आधार पे। अरे यार क्या राइट स्कीम्स है यार कर सकते पार पे सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे बंटी नहीं बचकाने बंटाए बुला फिर तू भी ले सकता है कार पे चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे हकले को लग रेला हाइप है कम फक तू है डम फक बस इतने से फेंक के तू लायक है तू लेवल का फेंका हुआ कचरा। बेसिकली यू नो कि वो बंटी बुलाता तो वो बोल रहा है कि यार तू भी इज्जत देना चालू कर तो तू भी मेरे तरह कलम से कार लेके आ सकता है भाई ठीक है कि ले यू ऑलरेडी नो बंटा की रिस्पेक्ट कितनी है सीन में। और दूसरा उसने यहाँ पे बोला रुक जाओ हाँ कि उसने चार अकाउंट्स की बात की थी कि मेरे यू नो फैंस ट्विटर पे तहलका मचाते करके कुछ तो उसने वही बोला कि चार फेक अकाउंट तू ही बनाते है और तुझको क्या लगता है तेरी हाइप है यो डोंट फक विद अस ब्रो कम बक तू है डम फक बस इतने से फेंक के तू लायक है तू लेबल का फेंका हुआ कचरा हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर सामने से आया तो कैसे मैं जाने दूं अब पेलेगा तुझे ये यंगस्टर बबली का ले रहा मजा में और यंगस्टर की बात हुई थी रैपर को शॉट आउट दिया गया था तो उसी राइम स्कीम को फॉलो अप करके यंगस्टर मतलब मैं ठीक है वो तुझे फेलूंगा फ्री बबली को देरी मजा है फ्री मालूम ना रेडिस का क्या है फ्री राखी के घर में बल्ला ये फ्री बबली को दे भाई इसको प्रोस्टिट्यूट जैसा पोर्ट्रेट कर दिया है भाई यार तेरी मजा है अभी तो पिक्चर बाकी है बबली तेरी लेने के लिए तैयार था जैसा आई एम ऑन अ बीक मोड कोलेस्ट्रॉल खत्म छोले स्टॉल वाले अब बैठो और डिस्ट हो अंग्रेजी तेरी रुक अभी पुरस्कार देता हूँ देखो ले खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया ही इज टॉकिंग अबाउट रफ्तार और कृष्णा है क्योंकि वो ऐसा बोल रहा है कि तेरे भैया से ही मिली है सीख ऐसी यू नो कि शायद से डिस्प्रेस करके हाइप आ जाती है कि आगे बढ़ने का यही सिर्फ चीट कोड और छोले वाली बात हुई और चीट वाली बात हुई यू नो चीट मील तो वो भी एक रेफरेंस हो सकता है भाई ये सब बहुत खतरनाक सीन जा रहा है तुम समझो भाई एक नंबर अंग्रेजी तेरी रुक अभी पुरस्कार देता हूँ देखो ले खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया जिगर तो दुनिया का डर क्यों भिड़ने पे आती तो जानती जनता हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू नहीं घंटा फर्क पड़ता बाहर कौन मिसाइल उड़ रही है भाई मेरे को इससे फर्क पड़ता है यार अपनी जान है यार समझ रहे हो मैं लग जाता कर्फ्यू घोड़े जो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले एक एसी और कूलर की भी बात हो चुकी है पहले सीन में वो बोलता था कि यू नो कुछ तो कर्मा ने कूलर फ्लेक्स किए थे इसने एसी फ्लेक्स की थी तो अभी कल वरी कूलर की बात आई तो उसने बोला भाई मेरे घर में एसी है मैं जब चाहे मौसम पलट दूं समझ रहे हो सीन चेंज कर देता हूं भाई समझ रहे हो तेमी का गाना भी है भाई सी मैं जब चाहूं मौसम बदल तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले शिक्षिली से आया हिप हॉप में समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे यू गॉट डेविल्स बट मेरे पे खुदा का हाथ ही सेड ना कि भाई शेख चिली को थैंक यू बोल मतलब यू नो रफ्तार को थैंक यू बोल नहीं शेख चिली को बोल कि थैंक यू बोले बेसिकली यू नो अमीर को बोल कि थैंक यू बोले क्योंकि रफ्तार ने उसका करियर बनाया तो ही सेड कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है उस रफ्तार भाई ने डिस किया एमवी को क्योंकि यू ऑलरेडी नो एमवी टॉप पे ही था हमेशा से यो डैम बंटाई है टॉप पे यू गॉट डेविल्स बट मेरे पे खुदा का हाथ है ढस नहीं पाए जो आए ले साहब यूजीरो वाला रेफरेंस दिया था ठीक है डेविल बैक एंड इसने यहाँ पे वही काउंटर किया कि भाई मेरे ऊपर खुदा का हाथ है आप ढस नहीं पाए जो आए ले साफ जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे ऊपर है मेरा हुड बाबा पहले से कौन था विजन है लॉन्ग टर्म पसंद है रॉन्ग टर्म पता ना कौन है एनिमीज बहुत है मेरे एनिमीज बहुत है मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है यो ही सेड कॉम्प्टन ब्रो व्हाट द फक भाई लाइक वो यू नो अपनी रेपुटेशन की वजह से जाना जाता है कॉम्प्टन वहां पे मतलब वायलेंस रेपिटेशन की वजह से जाना जाता है वहाँ पे मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स यू ऑलरेडी नो NWA जैसे ग्रुप्स वहाँ से निकल चुके हैं ठीक है गैंगस्टर शिट चलता है तो उसने वही शायद से बोला कि मेरा हुड है शायद कॉम्प्टन रुक जाओ एक सेकंड उनका होगा साथ ओके रुक जाओ करे के करे ले घात उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे ऊपर है मेरा हुड बाबा पहले से कॉम्प्टन विजन है लॉन्ग टर्म पसंद है रॉन्ग टर्म पता ना कौन है एनिमीज बहुत है मेरे एनिमीज
तेरे एनिमीज बहुत है, मेरे मेरे एनिमीज बॉट है, क्योंकि कलमकार बॉट्स लगाते हैं व्यूज लाने के लिए। डैम बॉय बॉट है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पोच में। ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो विवेक ओबरॉय यार, सलमान की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो विवेक असली नाम है कर्मा का, बेसिकली वो चीज हो गई। और उसने एक और चीज यहाँ पे बोली कि उसने कर्मा ने बोला था कि मैं लाइन बना रहा हूँ, इसको आगे अभी क्रॉस मत करना। तो ही सेड क्यों ना, लाइन तो अभी हो चुकी है क्रॉस जोश में, एंड कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में। शाहरुख एमवीवे का असली नाम है, ठीक है, शाहरुख सलमान भाई, विवेक क्या रेफरेंसेस चल रहे भाई। कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट टू स्मोक, मैं फूंकता नहीं डूबी, मैं फूंकने पे आया तो जलेगा तू भी। एक तो उसकी बात हो गई, एक सेकंड रुक जाओ, रूबी की वन ऑफ द प्रीशियस डायमंड्स, वन ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स में आता हूँ मैं। दूसरा मतलब एक ही बात है, और दूसरा इसने बोला आई वांट ऑल ऑफ द स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मतलब यू नो मैं सब तरह की चीज़ें फूकता, सिर्फ कहने बस सिगरेट नहीं फूकता, ठीक है, और मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी, यू नो स्मोक दूंगा तो भाई तू खत्म है यार, तू क्या बात करता है भाई। इनमें कीमती जैसे मैं रूबी, आई वांट ऑल द स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, लौड़ा लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी। वीडियो में आंखें लाल लग रही, मतलब तू भी फूक के ही वो वीडियो शूट करने पे आया, लोग नर्वस होते तो ऐसी चीजें करते, तो यू नो काउंटर भी तू नहीं दे रहा कि गांड फट रही भाई तेरी। अली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी, चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते, लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते, अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के, नई गांड में दम, अभी तो जस्ट शुरू है जंग। उसने बोला था कि ये चिल्लर उठा के पिल्लर बना देने वाली बात मत करना, ठीक है, और ही सेड कि भाई वो तभी भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम चिल्लर उठा के पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे को हम करियर बना देते, कुछ तो ऐसा, ठीक है, मतलब उस टाइम पे भी जब एमवी ने डिस किया था तो इट इज़ लाइक कि रफ्तार को वापस हिप हॉप में ले आया था, समझ रहे हो, एमवी तो अब ऐसा ही सीन है कि अच्छे अच्छे का हम करियर बना देते, लाइक यंग गालिब ऐसा बोल रहा है कर्मा को, समझ रहे हो कि हम तेरा भी करियर बना देंगे, ठीक है, दैट इज़ द सीन। मतलब सबको पता है यार तू सामने यू नो शॉर्ट्स क्यों ले रहा है कर्मा, क्यों हम पे शॉर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि उसको भी फेमस होने का है भाई, समझ रहे हो, तो बकचोदी मत कर भाई। शुरू है जंग, ये बीफ नहीं एक तरफा, सो आई एम नॉट डन बिच, कैसा कर्मा है वे जो तू वापस नहीं आएगा। कर्मा हमेशा लौट के आता है, ठीक है, जो तुम करते हो वो कर्म तुम पे लौट के आता है, तो कैसा कर्मा है जो तू लौट के नहीं, तो क्यों गेम रोक रहा है ऐसा, समझ रहे हो, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा गया पब्ले। ये क्या बनाया इसने एक रात में भिड़ू, ये तुम एक बेला का केमिकल रिएक्शन आ गया, ऐसे ऐसे मत करो, चालू मत हो जाओ, मैं करूंगा ना रिएक्शन, आराम से करूंगा। तुम यार लोड दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो भाई, ठीक है, और बीच में शायद से उसने राइम स्कीम भी वो फन वाली शायद से मिमिक करी थी यार, उस पर मेरा ध्यान गया था, बोए ये शिट बहुत डीप जा रहा है भाई, ये तो शिट बहुत डीप जा रहा है, लगता है कल करवा का वापस गाना आ जाए तो मजा आ जाए भाई, मतलब मैं पहले ऐसा सोचा कि यार इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बट अब ऐसा लग रहा है भाई ऐसे ही मजा आ रहा है, ठीक है, एक पे एक सुबह के हिट मिलता है मेरे को, मजा आता है भाई, ठीक है, दैट्स वाई तुम लोग बताना कि कहीं पे भी एक रेफरेंस छूट गया तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, अपन ऐसे ही बांटते रहते हैं यू नो नॉलेज, बाकी लेट मी नो योर ओपिनियंस इस रिएक्शन के बारे में, इस गाने के बारे में, ठीक है, लाइक वाइक दबाओ फटाफट, इस रिएक्शन को ऊपर पहुंचाओ, ठीक है, अभी फटाफट तुम्हारे लिए डालता हूं वन टेक वीडियो, फटाफट मिलते हैं किसी और अच्छे रिएक्शन, स्टे सेफ वेयर मास्क, ठीक है, एंड टाटा, लेट्स गेट इट, आ जाओ भाई।